आम यूट्यूब चैनल शिशु उत्कल प्रदीप को पुणी थरे स्वागत। आज वीडियो रे आमे ओडिया ग्रामर रा गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द ओ शब्दर विभाग विषय रे डिस्कशन करिबा। शब्द और शब्दर विभाग को जीवा पूर्वरु प्रथमे जानिबा जे शब्द कौन। ओडिया आज गोटे प्रतिष्ठित भाषा बोली आमे जानिचे। एहार शब्द भंडार विभिन्न शब्द संपर्क रे परिपूर्ण। ओडिया व्यतीत अनेक देशी भाषा आधार अछि, आधे विदेशी भाषा मध्य रही। सांप्रतिक युगरे विभिन्न कारण गोटे भाषार शब्द भंडार भिन्न भिन्न भाषार शब्द गुड़िक प्रवेश करिछि। नूतन शब्द आहरण द्वारा ही एक भाषा समृद्ध हुए, बलिष्ठ हुए, आउ सहजरे भाव प्रकाश करी हुए। ताले शब्द माध्यम रे आमे कोण करू ना सहजरे भाव को प्रकाश करी पारू। अच्छा, ताले जानिबा जे शब्द टी कोण। शब्द कहा को कहिबा, जेतो बळे एक बा एकाधिक वर्ण, एक बा एकाधिक वर्ण रो समाहार रे जहा की अर्थ प्रकाश करूथिबो। एक बा एकाधिक वर्ण से गोटिए शब्द हो, सॉरी गोटिए वर्ण हो बा एकाधिक वर्ण हो र समष्टि रे जदि से अर्थ प्रकाश करूथिबो। मु उदाहरण बुझौ छी, मा मा माने हला जननी, मा माने होची जननी। क क माने हला जल, जननी अर्थ मा, क अर्थ जल। एठी कोन होची जे गोटिए वर्ण किंतु अर्थ प्रकाश करूची। ताले अहि अहि होची कोन, अहि माने होची साप। अहि माने कोन ना, अहि माने होची साप, आ कमल माने होची पद्म, जे की अर्थ प्रकाश करूचंती। आमे बुझी पारुचे गोटे एक बा एकाधिक वर्ण रो समाहार रे जे अर्थ प्रकाश करूथिबा बा अर्थ बोधक हेथिबो ताकु आमे शब्द बोली कहू। ताले एठी शब्द रो डेफिनेशन हबो अर्थ बोधक एक बा एकाधिक वर्ण कु आमे शब्द बोली की कही थाउ। अर्थ बोधक एक बा एकाधिक वर्ण रो समाहार कु आमे कोन कहिताउ ना शब्द बोली की कही थाउ। आमे जिबा आगुड़े कथा कहिबी, जदि कोनोसी वर्णर समाहार जहा कि अर्थ प्रकाश करु न थिबो, जदि मु कहिबी टर्न अप, एहा तो वर्ण मानकर समाहार किंतु टर्न अप रो अर्थ किछि भी नाही। मु जदि लेखिबी ड, ते ड रो अर्थ किछि नाही। एहा वर्ण हे थाई पारे किंतु एहा शब्द नुहे, जेउ वर्ण व्यवहार हबा फल रे जहार अर्थ प्रकाश करूथिबो ताले सिए होची शब्द। बुझियेला शब्द कहा को कुहा जाए। एबे आमे जिबा शब्दर विभाग को। शब्द को केते भाग रे विभक्त करा जाय छी। ओडिया भाषा रे शब्द को चारि श्रेणी रे विभक्त करा जाय छी। केते श्रेणी रे ना चारि श्रेणी रे बा चारि भाग रे विभक्त करा जाय छी। ताले कोन कोन देखंतु शब्द को चारि भाग रे विभक्त करा जाय छी। कौन कौन ना तत्सम, तत्भव, देशज, वैदेशिक। ये जो शब्दर विभागीकरण चारि भाग रहिला कौन कौन रहिला, तत्सम, तत्भव, देशज, वैदेशिक। ये चारि भाग को आमे गोटी गोटी किरी सब जाक पढ़िबा। एबे आमे डिस्कशन करिबा। ताले प्रथम टी होउची तत्सम। कौन प्रथम टी ना तत्सम। तत्सम माने कौन, तत् माने होची ताहा, सम माने होची समान। कौन कहिला ताहा सहित समान कु तत्सम कहंती। तारे ताहा सहित समान माने काहा सहित समान ना आमर भाषा जेहेतु संस्कृत रु सृष्टि, ता माने संस्कृत सहित समान कु आमे तत्सम बोली की कही थाउ। कौन कही थाउ ना तत्सम बोली की कही थाउ। आमे व्यवहार करूथिबा अभिकल संस्कृत शब्द गुड़ी कु तत्सम शब्द बोली की कही थाउ। तत्सम रो अर्थ होउची ताहा सहित बा संस्कृत सहित समान। उदाहरण स्वरूप मु कही पारिबी अनळ, मु कही पारिबी अभिनय, अभिनय मु कही पारिबी पक्षी, प्रभात, सुख दुख, पाठ।
एगुडी सबु आमे तत्सम बोली कि कही आउ तत्सम को मध्य आउ को शब्द बोली कि एग्जाम रे बहुत बार पचरा जाइछि मन रखंतु तत्सम को साधु बा मार्जित शब्द बोली कहंती कौन कहंती ना साधु बा मार्जित शब्द साधु मार्जित माने कौन ना संस्कृत रु जेहेतु आसी संस्कृत को मजा हेकि आसी दिहर मार्जित हेकि आसी तेणु ताकु आमे साधु बा मार्जित शब्द बोली कि कही थाउ एबे क्लियर बुझीला तत्सम जीवा नेक्स्ट को तत्भव को एबे पढ़ीबा तत्भव तत्भव अर्थात तहिरु उद्भव माने तहिरु जात माने कौन कहिबा ना संस्कृत बा तत्सम शब्द रु संस्कृत जहा तत्सम सेया कना संस्कृत सहित समान सेही शब्द रु जिए सृष्टि ताकु आमे कहु तत्भव ताकु आमे कौन कहु ना तत्भव तत्भव अर्थ होउछि संस्कृत रु जात होउछि तत्भव तत्सम कौन कहितिलि संस्कृत सहित समान तेणु सी तत्सम आ तत्भव होउछि तहिरु उद्भव बा तहिरु जात अर्थात संस्कृत रु जात को तत्भव बोली कि कहि थांति एहाकु मध्य अप्रभंश बोली कि कहि थांति कोन कहि थांति एहाकु अप्रभंश बोली कि अपभ्रंश बोली कि कहि थांति तार तत्सम को कोन कहि थांति ना साधु आ मार्जित तत्भव को कोन कहंति ना अपभ्रंश बोली कि कहि थांति यार जदि आमे उदाहरण देखिबा तत्सम जदि हमर अग्नि हुए अग्नि ना संस्कृत वर्ड तले तत्भव कोन हबो ना अग्नि आमे कहू जे अग्नि जदि आमे कहिबा अष्ट जहा कि हमर तत्सम शब्द ताले आमे कहिबा एठी आठ मोर गते एग्जांपल देखै दउची लिभे किया को एबे जिबा देखंतु एठी लेखि जे तत्सम एठी तत्भव पूरा अंक भितरे डिफरेंसिएशन नै बुझै दउची तत्सम जहा संस्कृत सहित समान माने अग्नि अग्निटा गोटे सांस्कृतिक भाषा संस्कृत भाषा तत्भव तहिरु उद्भव आमे लेखिबा अग्नि अष्ट अष्ट होउची तत्सम शब्द तले तत्भव हेले कोन हे जीवो ना आठ तापर आसीला कोमल जदि कोमल गोटे तत्सम शब्द हेला तेणु तार तत्भव हब कोन कोल जामाता तत्सम कारण संस्कृत सहित समान जामातार ज्वई जामातार होउची ज्वई मूर्तिकार होउची माटी मूर्तिकार कोन हब ना मूर्तिकार तत्सम माटी होउची तत्भव तहिरु उद्भव माने मूर्तिकारु मूर्तिका होउची तार मूल आ माटी तारु उद्भव हेछि क्लियर हेगला तत्सम आ तत्भव एबे जिबा आमे देशज एबे पढिबा देशज शब्द तत्सम आ तत्भव को छाडी देले आहुरी अनेक शब्द ओडिया शब्द भंडार रु समृद्ध करिसंती जेउ शब्द गुडी कर मूल उत्पत्ति ए जाय आमे केहि जानी नाही काहे केउ प्राचीन काल रु विभिन्न अंचल रो विभिन्न जाति रो शब्द आसी आम भाषा रे मिसि जाई छी ए प्रकार शब्द गुडी कु आमे देश शब्द बोली कहू छु माने आम देश रु सृष्टि देश रे प्रचलित तेनु ता नाला देश रे जेमिति कहू जे अझट मु कहि परबी अझट अगाड़ी जहा कि आमर दैनंदिन जीवन रे आमे कथा वार्ता होचे चाउल छप्पर छाती छुआ ए सब हूँ देशज शब्द एमती आहुरी अनेक गुड़िए देश शब्द रही जामे वैदेशिक शब्द को देखु जो आम तत्सम पढ़िले तत्भव पढ़िले आउ देशज पढ़िले यनिटा शब्द को छाड़ी देले आउ अनेक गुड़िए विदेशी भाषा आम आम जीवन में प्रयोग कर जेतेबेले विदेशी शासन हेला वैदेशिक वाणिज्य पई आसिले धर्म प्रचार पई आसिले कोन हेला ना ए शब्द गुडी कु ओडिया भाषा रे प्रवेश करि देई अछंती आमे दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करूचे सेमिति खाली इंग्रज भाषा त नुहे मोगल माने त आसीतिले
ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଛାପ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଭାଷା ଯାହାକି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଆଜିକା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ଶବ୍ଦ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଇ ଭାଷାକୁ ଛାଡି ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ପେନ୍, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଏ ଡଷ୍ଟର, ଚକ୍, ଗ୍ଲାସ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଇଂଲିଶରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀ ଶବ୍ଦ, ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ, ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ନେଇ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ହିଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବି କାବୁ, କାବୁ ଗୋଟେ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ, କୁଲି, କୁଲି ଗୋଟେ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଚାର, ତାହେଲେ ଆଚାର ଗୋଟେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଶବ୍ଦ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ପିଅନ କହିବି, ତାହେଲେ ପିଅନ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହଉ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହଉ, ତୁର୍କୀ ହଉ, ଫାର୍ସୀ ହଉ, ପାର୍ସୀ ହଉ ବା ଆରବୀ ହଉ, ଏଇ ଗୁଡିକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ବୈଦେଶିକରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାରର, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଶବ୍ଦ କଣ ନା, ଏକ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଶବ୍ଦକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତତ୍ସମ, ତତ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତତ୍ସମ ତାହା ସହିତ ବା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ତତ୍ସମକୁ ଆମେ ମାର୍ଜିତ ବା ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତତ୍ଭବ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି କହୁ। ତାକୁ ଆଉ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲିକି ବି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଆଉ ରହିଲା ଦେଶଜ, ଯାହା ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଛୁଆ ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ଅଝଟ, ଅଖାଡୁଆ, ଅଡା, ଅଣ୍ଟା, ଅଳିଆ, ଅରୁଆ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଶ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହୁ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କଣ ନା, ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ହଉ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ହଉ ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଛାପ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାଡି ଦେଇଗଲେ, ସେଇ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ଫିର୍ ବି ମତେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲାନି, ଫିର୍ ବି ଲଗେଇ ଦଉଛେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲାନି, ଏଇ ସବୁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଏହା ଥିଲା ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶବ୍ଦ ବିଭାଗର ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍। ଆର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ ପଢିବା। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।